हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ आराधना और स्वागत करती हूँ आपका अपने गार्डनिंग चैनल पे। फ्रेंड्स, गार्डनिंग चैनल है तो बात गार्डनिंग से जुड़ी होगी ही, आपको पता ही है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इंडोर प्लांट्स की, क्योंकि हम जब गार्डनिंग शुरू करते हैं तो प्लांट्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है। नर्सरी वाले जो हमको बता देते हैं, हम उसी हिसाब से अपने प्लांट्स की देखभाल करना शुरू कर देते हैं। और कंडीशन ये हो जाती है कि जो वो इंडोर प्लांट्स बता के देते हैं, उन प्लांट्स को हम फुली इंडोर कर देते हैं और धीरे धीरे हमारे वो सारे प्लांट मरना शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जब मैंने गार्डनिंग शुरू की थी तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी होती थी। काफ़ी सारे प्लांट मेरे भी शहीद हो चुके हैं, क्योंकि जब नर्सरी वाले भैया बोलते हैं कि ये प्लांट इंडोर है तो हम उसको पूरी तरह से इंडोर कर देते हैं, सूर्य की रोशनी से उसका कोई वास्ता नहीं रह जाता। ऐसे में प्लांट खराब तो होना ही है, क्योंकि बिना सूर्य की रोशनी की कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता है। फ्लावरिंग प्लांट तो ऐसे होते हैं जिनको कम से कम 6 से 8 घंटे की रोशनी ज़रूरी है। जो फॉलेज प्लांट होते हैं उनको भी सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है, लेकिन उनको धीमी रोशनी, मतलब छना हुआ अगर लाइट आता है तब ठीक है, सेमी शेड एरिया ठीक है। अगर आप इंडोर रखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कम से कम सुबह की थोड़ी सी धीमी सी रोशनी उनको मिलती रहे। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं, जैसे जीजी प्लांट है, एग्नोलिमा, डफन वेकिया और काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है जो इंडोर प्लांट होते हैं। इनको रोशनी भी चाहिए होती है, साथ साथ इनको पूरी तरह से आप बाहर भी नहीं रख सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं, और साथ ही हम बात करेंगे मोन्स्टेरा डिलोसियोसा की, जिसको आज हम कटिंग से ग्रो करने वाले हैं। ये भी इंडोर प्लांट है और इसको कटिंग से ईजिली आप ग्रो कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। प्लीज़ स्किप मत कीजिए, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि जब आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो कुछ ना कुछ बीच में छूट जाता है और आपको अधूरी जानकारी मिलती है। आप पूरे वीडियो का अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जो मैं जानकारी देती हूँ उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है। फ्रेंड्स, ये मेरे पास मोन्स्टेरा की 2 कटिंग है और इसको आज हम ग्रो करेंगे। आप भी इसको कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो अगर आपको कटिंग मिल रही है तो ध्यान रखें कि इसमें एरियल रूट्स जरूर हो, क्योंकि एरियल रूट्स रहेंगे तो प्लांट ईजिली ग्रो हो सकता है। अगर रूट्स नहीं रहती हैं तो प्लांट को ग्रो होने में टाइम लगेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कम से कम ऊपर इसके 3 पत्तियां रहें, ये और बीच वाला ये इधर, बाकी अगर ये चाहें आप तो कट कर सकते हैं। पत्तियां सिर्फ ऊपर की रखनी है, नीचे की पत्तियां नहीं रखनी है, नहीं तो प्लांट पे लोड ज़्यादा पड़ेगा और इसको ग्रो होने में समय लगेगा। फ्रेंड्स, मैं इसको 10 इंच के पॉट में लगाने वाली हूँ। इसका पॉटिंग मिक्सचर भी आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह का बनाना है। तो इसमें मैंने लिया है 40% गार्डन सॉइल है, जिसमें सैंड मिक्स होती है गार्डन के लिए, वही सॉइल मैं प्रेफर करती हूँ। और इसमें 40% कोकोपीट रखा है मैंने, 20% वर्मी कम्पोस्ट मिक्स किया है। फ्रेंड्स, ये जो पॉटिंग मिक्सचर है आप ये किसी भी इंडोर प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने 40% कोकोपीट, 40% गार्डन सॉइल रखा है और 20% वर्मी कंपोस्ट मिक्स किया है। ये पॉटिंग मिक्सचर हर इंडोर प्लांट के लिए आइडियल है, और जो कोकोपीट है वो इसमें नमी को मेंटेन रखता है, इसलिए मैं इसी तरह का पॉटिंग मिक्सचर हमेशा अपने इंडोर प्लांट्स के लिए बनाती हूँ। इसमें अगर हम कटिंग भी ग्रो करना चाहते हैं तो कटिंग भी अच्छे से ग्रो हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी एकदम हल्की होती है। तो मोन्स्टेरा की कटिंग के लिए भी ये पॉटिंग मिक्सचर बहुत ही अच्छा है। अब इसको हम इस पॉट में लगा देंगे। किसी भी प्लांट को कटिंग को लगाने के बाद में कम से कम उसको 1 हफ्ते तक हमको पूरी तरह से शेड में रखना जरूरी होता है। आप नर्सरी से भी कोई नया प्लांट ला रहे हैं, वो आउटडोर हो या इनडोर हो, अगर आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो कम से कम 1 हफ्ते तक शेड एरिया में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये हमारा एक प्लांट लग के तैयार हो चुका है, बंद कर। फ्रेंड्स, कोई भी प्लांट लगाने के बाद हमको इतना पानी देना है कि पानी नीचे जो ड्रेनेज होल है उससे बाहर निकल जाए। इसके बाद में इसमें कम से कम 1 हफ्ते तक हम कोई पानी नहीं देंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंडोर प्लांट केयर टिप्स की। तो सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है कि आप इंडोर प्लांट अगर इंडोर लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे छनी हुई धूप मिलती रहे प्लांट्स को, या फिर खिड़की के पास रखें जहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे उसको सनलाइट मिले। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इंडोर प्लांट कम से कम वीक में 1 दिन के लिए बाहर रखें। बाहर की धूप बहुत ज़रूरी होती है, तो ऐसे में सुबह की जो धीमी धूप होती है 2 घंटे की, वो प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आपको हफ्ते में 1 दिन प्लांट को बाहर रखना है, या तो मॉर्निंग के टाइम में रखिए या फिर आप इवनिंग में कर सकते हैं। आपको जैसे भी सुविधा लगे आप उस हिसाब से प्लांट को अपने धूप दिखा सकते हैं।
फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंडोर प्लांट में फर्टिलाइजर देने की। तो इंडोर प्लांट में हमेशा लिक्विड फर्टिलाइजर ही दीजिए, क्योंकि जो पॉटिंग मिक्सर आपने बनाया है उसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया है और साल में एक बार रिपॉटिंग तो आप करते ही हैं। तो आपको प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइजर देना है। एनपीके बेस्ट ऑप्शन है। एनपीके 19:19:90 आप दीजिए और इसका असर 15 दिन तक रहता है। और आप चाहें तो 15 दिन में या फिर 1 महीने में एक बार जरूर दें फ्रेंड्स। और सबसे जरूरी बात होती है इंडोर प्लांट्स में वाटरिंग कैसे करें, कब करें। तो जो पॉटिंग मिक्सर होता है वो ऑलरेडी ऐसा बना होता है कि उसमें पानी ना रुके। तो जब भी आप वाटरिंग करें तो ध्यान दें कि इंडोर में रखना है और इंडोर प्लांट्स को आपको कम से कम 10 दिन बाद ही पानी देने की जरूरत पड़ती है। उसमें मॉइस्चर बना रहता है और देखना है जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तभी पानी दें। अगर मिट्टी नहीं सूखी रहेगी आप तब भी पानी दे देते हैं, वाटर लॉग होगा या फिर रूट्स में फंगस लगना शुरू हो जाएगा और आपका प्लांट खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो नए गार्डनर हैं या फिर जिनको गार्डनिंग के बारे में, इंडोर प्लांट के बारे में जानकारी चाहिए, उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।